हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंकलिंग विद मी। सो गाइस, ये फिल्म सिटी का हमारा सेकंड शो है जिसका नाम है क्रोमा शो। तो गाइस, यहाँ स्टार्ट होने वाला है क्रोमा शो और यहाँ सब बैठ गए, सब ने अपने अपनी सीट ले ली है और अब देखते हैं क्या होता है क्रोमा शो में। क्या बात है, ये होना चाहिए जिसके अंदर मस्ती है। हाँ हाँ, वो एक कलाकार है। तो चाहने वालों को संजय वर्मा का प्यारा नमस्कार। जो अपने आप से प्यार करते हैं, जिंदगी से प्यार करते हैं, कल्चर से प्यार करते हैं, टैलेंटेड है तो टैलेंट से प्यार करते हैं, शौक से प्यार करते हैं और सही मायने में जो बॉलीवुड से प्यार करते हैं, वो आप है। वह फिर से तालियां। मैंने खर्च किया है जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो आदमी चुप रह के जबरदस्ती जिंदा। मुंबई के इस मौसम में आपको मैं स्वागत करता हूँ। संजय वर्मा कॉमेडियन, इंस्टाग्राम में सर्च करते रहना, शो में याद कर लेना, शो जब खत्म हो जाए मुझे ले जाना। ओके, आपको बोलना होगा एक्शन। क्या बोलना होगा? एक्शन। क्या बोलना होगा सर? एक्शन। यस, बाद में इलेक्शन। तो आइए एक्शन, लाइट कैमरा फॉर कैमरा एक्शन एक्शन। जी हाँ, आपने सुल्तान फिल्म देखी होगी। ये कहने को तो ये सीन स्टूडियो के अंदर है, लेकिन जब ये स्टेडियम के अलावा ये शूट हुआ तो अकेले में हुआ। अभी खाई में जंप मारने वाला सीन है। जब सीन शूट हुआ हर एक गद्दे पे गिरे थे, बाद में इफेक्ट डाला गया बर्फ का, जैसे पीछे फायर का इफेक्ट डाला गया, ऐसा लगा जैसे हीरो आग में से निकल के आ रहा हो। पुराने जमाने की फिल्मों में ये देखिए, ये जो सीन है इस सीन में आग लगी हुई है। दरअसल ये सीन इस तरह नहीं हुआ, बिना आग के शूट हुआ। इन्होंने सिर्फ एक्टिंग की है, एक्सप्रेशन दिया, बाद में एडिटिंग टेबल में फायर का इफेक्ट मिक्स किया गया। आजकल का ये दौर है, पुराने जमाने में आग लगानी पड़ती थी, कलाकारों को उस सिचुएशन से गुजरना पड़ता था, बहुत से कलाकार जल जाते थे, झुलस जाते थे, कैमरामैन भी यानी घायल हो जाते थे। लेकिन अब हम बड़ी फैसिलिटी के साथ काम कर सकते हैं बिना हरियाणा गए। दंगल फिल्म आई थी, यह पुष्पा झुकेगा नहीं सारा। इस फिल्म का जंगल गुमशुदा है, मिलेगा नहीं सारा। ये जंगल बनाया गया है क्रोमा ग्राफिक्स के माध्यम से, लकड़ियों का शॉट, पेड़ों का शॉट, थर्माकोल की तैरती, चंदन की लकड़ियों का शॉट, बहते पानी का शॉट, आसमान का शॉट, खंबे का शॉट, पहाड़ियों का शॉट, ये ट्रक है आधा अधूरा ग्राफिक्स के माध्यम से बनाया गया है। इसको पूरा का पूरा स्पाइडरमैन शक्तिमान ही मैन क्रिश जैसे कलाकार भी इसी तरह उड़ते हैं, देख लीजिए। ये 8-9 मंजिला की बिल्डिंग पर फिल्म का नाम फैन किस तरह से ये पीछा कर रहे हैं, देख लीजिए। ये सब क्रोमा ग्राफिक्स के माध्यम से ही हो सकता है, वरना कोई भी एक्टर अपने शरीर को इस तरह खतरे में नहीं डालेगा, क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा एक वही तो प्रोडक्ट है। तो एक से खेलत अंगेज कारनामे कर सकते हैं। लो साहब, एयरपोर्ट आ गया है। एयरपोर्ट पे चलने का स्टाइल, एक्टर को सिर्फ एक्सप्रेशन देना पड़ता है, पीछे बैकग्राउंड चेंज कर देना। अगर वो गार्डन में चल रहा है तो उसका अलग स्टाइल होगा चलने का, घर में चल रहा है अलग होगा। ये रिस्की सीन है, देखो। इस सीन को शूट करने के बाद पता चला कि ये दोनों हीरो बचे होंगे, लेकिन जब ये सीन शूट हुआ क्रोमा पे तो इन दोनों को खरोंच तक भी नहीं आई थी। ये बाहुबली कैसे बना देख लीजिए। इस सीन में जो बैल है इस पर एक मूवमेंट दिया है ग्राफिक्स के माध्यम से, उसके वीडियो को कुछ सीन में ओरिजिनल होता है, यहाँ सीन ओरिजिनल, इसके बाद इफेक्ट होगा। ओके
मुझे तो खान की अब समझ में आ गया तो आपको कि क्रोमा के माध्यम से कैसे फिल्में शूट होती हैं। यस, क्रोमा के बाद अगली जानकारी दे रहा हूँ, ऐसी जानकारी मैं चार दूंगा। दूसरी जानकारी है वो है फिल्म की आवाज। ये सोचिए फिल्म चल रही है, मैं करेक्टर हूँ, अगर मेरी आवाज साफ नहीं सुनाई देगी आपको मजा नहीं आएगा। थिएटर में आवाज अगर ऐसी आएगी तो भाई तो क्या बोला, एक बार सुन ले। तो इसीलिए हर कलाकार की आवाज डबी जाती है जिससे आवाज क्लियर आए। जब सीन शूट होता है, शूटिंग होती है, तो नॉर्मल आवाज में शूटिंग होती है बिना शोर शराबे के। इतना ही डायलॉग बोलते हैं कलाकार उसी रेंज के हिसाब से कि सामने कैमरे का ऑडियो उसको सुन सके। बड़े आराम से शूटिंग करते हैं। सिमरन ने अग्रवाल सेंटर पर रखी है। ओके, मैं चलता हूँ, चले गए। कभी कभी दिखाते फिल्मों में पशु पक्षियों की आवाज़ें, हम सोचते जब पशु पक्षियों की आवाज़ें इतनी साफ आती हैं, हो सकता है डायरेक्टर साहब आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए पेड़ पे बैठ जाते होंगे माइक लेकर। आओ, आओ, तो इस तरह आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले कलाकार होते हैं, और इस तरह आवाज़ रिकॉर्ड करने की कला को कहते हैं फोली आवाज़। क्या बोलते हैं? फोनी आवाजें कैसे रिकॉर्ड होती है, आइए एक छोटा सा सीन के साथ मैं एग्जांपल दूंगा। फिल्म का नाम है ये दबंग, देखिए किस तरह से फोनी आवाजें रिकॉर्ड होती है। हाय, तो आप समझ गए होंगे कि ये दबंग है दो रुपए की खाली बोतल के खराब। इसलिए बोतल में गुण बहुत है, सदा रखिए सर, सुबह काम आती है, दोपहर को काम आती है, और शाम को बोलने के काम आती है। यस, तो इसके बाद बारी आती है फोली आवाजें कैसे रिकॉर्ड होती है, एक जानकारी वाला वीडियो देखते हैं। यस, ओके। Pakistan was Empire Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley. घोड़ा दौड़ने की आवाज। घोड़ा हाँफने की आवाज। रेंगने की आवाज। दरवाजा खुलने की अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है। तो
बारिश की बूंदों की आवाज। तो ये बोली, इसके बाद लास्ट इंफॉर्मेशन है फिल्मी ज्ञान, वो है संगीत। संगीत फिल्म की धड़कन हो जाए इफेक्ट के साथ, सही बात है ना? टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए, आग लगी तो बड़ी तू, दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो इंतजार का दिन चुरन नहीं मेरा, मौसम बहार का ये समा, सुन 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 बरसात की धुन, सुन 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 बरसात की धुन, ओ बिजली चमकी लिपट गए हम बादल गए। तो इस तरह ये क्रोमा एपिसोड आपको कैसा लगा? अरे मैंने कहा क्रोमा देख के मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। और मुझे भी याद रख लेना, मेरा करम है संजय वर्मा कॉमेडियन, याद कर लेना। चलिए इसी के साथ जो 1 बजे आए थे उनका बस इंतजार कर रही है, बाकी लोगों का 5 मिनट का शो है, मैं बाहर आके आपसे मिलता हूँ। ओके और सेल्फी।